हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपका एडमिशन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन। साथ ही अगर आप लोग डीएलएड 2021 में एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं आपके साथ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस बार आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया में लगेंगे, साथ ही एडमिशन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। जब आप एडमिशन लेंगे डीएलएड 2021 में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में आज हम लोग एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने चाहिए या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में मांगे जाएंगे। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो भी ये काउंसलिंग प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाली है। आप लोगों को ऑनलाइन अपने घर से ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है। तो आपके पास इस काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन नंबर पर आपके OTP आएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने जब डीएलएड 2021 का फॉर्म फिल किया होगा तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। जो आपको प्रिंट आउट मिला था उसमें आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा डीएलएड 2021 का, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर पूरे डीएलएड 2021 में आपको काम आने वाला है। तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना संभाल के रखें। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है XYZ जो भी है आप उसको याद रखें। उसके बाद आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है 10th की मार्कशीट ओरिजिनल। आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट थी, मतलब हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट थी, वो भी ओरिजिनल वाली मार्कशीट आपकी लगेगी कॉलेज में। डॉक्यूमेंट जो आपके लगने हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया में, ये लगने हैं आपके स्कूल में, मतलब कॉलेज में। जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे ना, अपने कॉलेज में जब एडमिशन कराएंगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल जो कॉपी है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसकी आपको प्रॉपर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आप अपने कॉलेज में जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तभी आपका एडमिशन जो है वो पूरा होगा। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल जो फाइल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको अपने फाइल में लगानी है। प्रॉपर अपनी एक बहुत अच्छी सी फाइल बनानी है जो आपकी सेफ रहे वहाँ 2 साल, क्योंकि 2 साल के लिए आपके 2 साल के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वहाँ पर सबमिट कर लिए जाते हैं। 2 साल से पहले आपको किसी भी हालत में ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाले, ओरिजिनल जो भी चीज़ें हैं आपकी। तो आपको सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट आपकी लगेगी, कोई भी फोटोकॉपी या कुछ नहीं चलेगा। तो आप पहले से ही अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा के रख लें, 2-3 फोटोकॉपी, बिकॉज आपके जब फॉर्म फिल होते हैं बीच बीच में तो आप वहाँ पर अपनी जो फ़ोटोकॉपी है उसका यूज़ कर सकें। जैसे कि आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वहाँ पे भी आपकी लगेगी, साथ ही जो आपकी अदर्स जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके फॉर्म में, तो वहाँ पर आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मांगी जाती है। इसलिए जब भी आप ये अपने ओरिजिनल फाइल जमा करने जाएं तो उससे पहले आप अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा के रख लें, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आपकी 3rd नंबर पर चाहिए है आपका 12th की मार्कशीट, वो भी ओरिजिनल। यहाँ पे भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी इंटर की। इंटर की जो भी आपकी मार्कशीट है वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों की यहाँ पे भी लगेगी, उसी फाइल में ये सारी आपकी मार्कशीट लगेंगी। तो आप अपनी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट प्रॉपर अच्छे से रखें। 4th नंबर पे है आप लोगों का जो ग्रेजुएशन की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब ग्रेजुएशन में जो आप लोगों की मार्कशीट होगी, तो मार्कशीट तो अभी आई नहीं हो क्योंकि आपका रिजल्ट अभी आ रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो अभी इतनी जल्दी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट तो आने वाली नहीं है ग्रेजुएशन की। तो आपके ग्रेजुएशन में क्या होगा कि आपकी प्रोविजनल बनती है। आप जब अपना फॉर्म, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले अपनी एक
ग्रेजुएशन के रोल नंबर से अपनी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, जिसमें आपके ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, बट अभी मार्कशीट नहीं आई है, ये पूरा उसमें मेंशन रहता है। तो आपको ग्रेजुएशन की प्रोविजनल अपनी जो सर्टिफिकेट है वो निकलवा के अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप लोगों की जो रियल मार्कशीट आ जाती है तो उसके बाद आप लोग उस कॉलेज में जाके अपने DL.ED कॉलेज में जाके अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर देंगे। तो जब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है तब तक आपको अपने कॉलेज में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा के लगाना पड़ेगा, साथ ही एक आपको शपथ पत्र भी लगवाना पड़ेगा। आप लोगों का एक शपथ पत्र भी लगेगा, उस शपथ पत्र में ये लिखा होगा कि अभी तक हमारी मार्कशीट नहीं आई है, जैसे ही मार्कशीट आ जाएगी उसके बाद हम ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हटा देंगे और प्रॉपर मार्कशीट रियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो प्रॉपर आपकी फ़ाइल है उसमें लगा देंगे। तो आप लोगों की ग्रेजुएशन की प्रोविजनल मार्कशीट लगेगी, इसलिए जो भी बच्चे ये कर रहे हैं कि मार्क्स कुछ बढ़ा के लिख दे रहे हैं ग्रेजुएशन के, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आगे। 5th नंबर पे है आपका आधार कार्ड। आपका जो भी आधार कार्ड है तो वो आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। यहाँ पे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो सबमिट नहीं किया जाएगा, ओरिजिनल जो है आपका आधार कार्ड वो सबमिट नहीं होगा, यहाँ पर आपके फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी, मतलब एक आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी आधार कार्ड की। तो आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा के रख लें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में एक दो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC, SC और ST। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल वालों का नहीं लगता है। आप सभी को पता है जनरल में कौन कौन आते हैं। जनरल में आप लोगों के जो ठाकुर हैं वो आते हैं, मतलब छत्री। उसके बाद आपके जो बनिया हैं, अग्रवाल वगैरह हैं, ये लोग आते हैं जनरल में। उसके बाद जो भी पंडित हैं वो आते हैं आपके जनरल में। तो सभी को पता होगा कि वो किस कैटेगरी में हैं। तो जो OBC, SC और ST वालों का कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र लगना है, जनरल वालों का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगना है। तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, मतलब जाति प्रमाण पत्र ऑलरेडी बनवा के रख लें, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तो उन्हें तुरंत चाहिए होगा, बिकॉज आपकी प्रॉपर वेल मेंटेन आपकी फ़ाइल वहाँ पर चाहिए होगी कॉलेज में, तभी आपका एडमिशन प्रोसेस होगी। तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इस वजह से आप ये डॉक्यूमेंट पहले से ही अपने रेडी करके रखें। एक और बहुत अच्छी सी एक फ़ाइल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपको कैसी फ़ाइल चाहिए होगी डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, तो प्रॉपर आप उस अपने डॉक्यूमेंट फ़ाइल में प्रॉपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। तो जनरल वालों को यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। अब बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो मेरा ऑलरेडी बन चुका है या फिर बना है या एक्सपायर हो गया। तो मैं बता दूँ, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो वो 3 साल चलता है, 3 साल उसकी एक्टिविटी होती है। मतलब आपने आज अगर 2021 में कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है तो वो आपका 2021, 2022 और 2023 तक कोई भी एक्सपायर नहीं होने वाला। ये 3 साल तक आपका जो सर्टिफिकेट है, सभी सर्टिफिकेट चलते हैं। जाति तो एक ऐसी है कि वो हमेशा ही रहती है, बट अगर नहीं है तो 2 से 3 साल सभी सर्टिफिकेट, आपकी जो डेट है उसमें सर्टिफिकेट के नीचे डेट पड़ी रहती है कि ये कब एक्सपायर हो जाएगा। तो आप वो प्रॉपर देख लें और उसी के आधार पर अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो बनवा लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र। जिसकी भी आय प्रमाण पत्र नहीं बना है वो लोग अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें, जिनकी आय कम है या फिर कितनी कम है, कितनी एवरेज आती है। तो जाति प्रमाण पत्र के बाद आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें, मतलब आय प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि ये आपका स्कॉलरशिप में भी काम आने वाला है। ये यहाँ पर ही नहीं, आपके स्कॉलरशिप में भी काम आएगा और जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगी उसमें भी काम आएगा। एडमिशन में भी काम आएगा आपके ये, और ये स्कॉलर में भी काम आएगा। तो ये दोनों जगह काम आने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके रखें, साथ ही अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें। आय प्रमाण पत्र में भी आप देखेंगे तो साइड से वहाँ पे भी आपके एक्सपायरी डेट लिखी होती है और लिखा होता है कि ये आपका कब बना था और कब तक ये रहेगा। तो वो आप अपना अपना चेक कर लें आय प्रमाण पत्र। उसके बाद 8th नंबर पे है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। आपका कोई एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र। आप अपने घर का निवास प्रमाण पत्र जो है वो बनवा के कंप्लीट करके रखें। आपका निवास प्रमाण पत्र की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और सेम स्कॉलरशिप में भी आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो एड्रेस प्रूफ में आपके निवास प्रमाण पत्र लगता है। 9th नंबर है ये है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र।
तो ये आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके DLED एडमिशन के समय मांगा जाएगा प्रॉपर उसी फाइल में। तो आप लोग जिस भी कॉलेज, मतलब जैसे कि आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, एक आपका बनेगा कॉलेज की साइड से, एक तो आपका कॉलेज की साइड से बनेगा ये आपका, और फिर कॉलेज के बाद ये एक आपका तहसील से भी बनेगा, मतलब आपको तहसील जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तभी आपका मान होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ये डॉक्यूमेंट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए बच्चों को बहुत परेशान होना पड़ता है, बिकॉज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा था क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बनेगा कहाँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है ये आपका कोई तहसील में, जहाँ भी आपकी जो भी तहसील है वहाँ से आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। और एक चरित्र प्रमाण पत्र आपकी कॉलेज के साइड से बनेगा कि आपका वहाँ पे कैसा क्या रहा, कैसी आपकी परफॉर्मेंस थी, कैसा आपका वहाँ पे करेक्टर रहा है, तो वहाँ से आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरा आपका तहसील से एक सर्टिफिकेट बनेगा, तो ये सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बनवा लें क्योंकि आप लोगों के कॉलेज में मांगा जाएगा। अगला जो है वो है 10th नंबर है मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका कहाँ बनेगा, तो ये आपका बनेगा सरकारी अस्पताल में, जो भी आपके तरफ का सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर आपको प्रॉपर सारी टेस्ट कराने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे टेस्ट कैसे कराने पड़ेंगे, मतलब आपको वहाँ पर अपनी आइज टेस्ट कराना पड़ेगा, आपकी आँखें टेस्ट होंगी, साथ ही साथ आपकी ब्लड टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी आपको कराना पड़ेगा, और दो तीन चीज़ें रहती हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा पहले से। जो आपका ये, अब जो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है ये कोई ऑफलाइन नहीं बनता, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन वहाँ पर जाकर अपना प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का तो एडमिशन ही नहीं हो पाता है। तो ये आपका ऑनलाइन बनेगा, सबसे पहले आप जान लें। जो भी आपका सरकारी अस्पताल है या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब जो आपके MBBS गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ जाकर, वैसे ये वहाँ नहीं बनता, ये आपका सरकारी अस्पताल में ही बनता है। जो भी आपके साइड का सरकारी अस्पताल है आप वहाँ जाकर इस डॉक्यूमेंट को बनवाएं, क्योंकि इसके लिए आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है कोई कैफ़े से, साथ ही इसको बनने में कम से कम 15 से 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे जैसे BEd वालों को भी ये चाहिए होता है, साथ ही आपके ITI जो कर रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स में भी लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट, या फिर जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इस टाइम सभी बच्चे अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवा रहे होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बहुत लेट हो जाता है, बहुत टाइम बाद बनता है। इस वजह से आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से ही रेडी रखें, बनवा लें अपना प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि उसको बनने में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के तो एडमिशन इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, ये पैसा वैसा दे के भी कराना पड़ता है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो आपको आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप ये सर्टिफिकेट जो है ये पहले ही बनवा लें। उसके बाद अगला नंबर जो है वो है आपका लास्ट नंबर, ये लास्ट डॉक्यूमेंट है आपका 10 से 15 कलर्ड आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। आपकी 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, आप ये फ़ोटोज़ अपनी क्लिक करा लें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में भी ये लगेंगी, साथ ही आपके बहुत सारे जैसे कि आपके अभी परीक्षाएं होंगी जो फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें आपकी ये फ़ोटोज़ मांगी जाएंगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे परीक्षा फॉर्म, साथ ही और भी आपके बहुत सारे जैसे अभी आपका खाता खुलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी खाता खोलने की वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो ये सब चीज़ें आपकी चलेंगी। इस वजह से आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो हैं वो ऑलरेडी बनवा के रख लेनी चाहिए, कम से कम 15-20, तो वो आप अपनी बनवा के रख लें, वो भी आपको लैमिनेशन वाली रखनी है, ऐसी नहीं रखनी है जो आज बनवाई तुरंत मिल गई, वो नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर लैमिनेशन वाली अपनी कलर्ड फ़ोटो बनवा के रखनी है पासपोर्ट साइज़ में। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन में आपका प्रिंट आउट जो था वो आपको चाहिए होगा, मतलब आपका जो प्रिंट आउट आपको मिला है अभी वो आपका मांगा जाएगा। उसके बाद आपको रैंक मिलेगी, तो रैंक लिस्ट जो है वो भी आपकी मांगी जाएगी, और नेक्स्ट आपका जो अलॉटमेंट लेटर था, मतलब जो 10,000 रुपये आपने जब फिल किए थे कॉलेज में ऑनलाइन, तो आपको वो भी लगेगा, तो उसका भी आपको प्रॉपर प्रिंट आउट होगा, तो वो प्रिंट आउट भी आप ले लें, जो भी आपने 10,000 रुपये फ़ीस कटवाए थे, या फिर जो आपको कॉलेज जब आपको मिला था उस टाइम आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, वो लेटर की एक फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी प्रॉपर। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है जब भी आप काउंसलिंग प्रक्रिया कराएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया क्या, मतलब जब भी आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, उसी टाइम सब ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और प्रॉपर एक आपकी फ़ाइल बनेगी,
फाइल वो आपकी कॉलेज में ही सबमिट कराई जाएगी और 2 साल उस फाइल को वो लोग अपने पास ही रखेंगे प्रॉपर तरीके से, आपके कोई डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो इस वजह से एक आप अच्छी सी फाइल लें प्रॉपर। उसके बाद आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने सबमिट कर दें वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। एक बार हम लोग सारे फिर से देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या लिस्ट है पूरी। तो आपके जो DLED काउंसलिंग डॉक्यूमेंट जो हैं 2021 के, वो कुछ ये आपके 11 जो हैं ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। इन डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर नोट डाउन कर लें या वीडियोस में सारे देख लें। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब डिस्कस किया है आपके साथ, वो प्रॉपर आप देख लें। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए है। देन उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। ये सब ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप फोटोकॉपी लगा देंगे, कॉलेज वाले मान्य नहीं करेंगे। तो आपकी जहाँ भी रखी है आप लोग ढूंढ लें प्रॉपर अपनी, और सभी की फोटोकॉपी जो है वो करा के रख लें। कम से कम 1 से 2 या 2 से हम ज़्यादा ही कहेंगे, इनकी फ़ोटोकॉपी आप लोग करा के रख लें, बिकॉज ये आपको 2 साल किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो बहुत सोच समझ के आप ये डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में सबमिट करें। 4th है आपकी ग्रेजुएशन प्रोविजनल मार्कशीट। तो आपके जो ग्रेजुएशन की है वो आपकी जो ओरिजिनल है वो मार्कशीट तो आएगी नहीं, इस वजह से आप लोगों की प्रोविजनल जो भी मार्कशीट है वो लगेगी। 5th नंबर पे है आप लोगों का आधार कार्ड। देन आपका आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो सबमिट होगी, रियल आधार कार्ड यहाँ नहीं लगेगा, आपकी यहाँ पर फोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद 6th नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति प्रमाण पत्र। ये OBC SC और ST वालों को चाहिए होगा, तो वो लोग अपना बनवा लें। उसके बाद है आपका इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। 8th आपका डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप निवास प्रमाण पत्र देंगे, तो आप अपने निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। 9th है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, मतलब ये आपको चाहिए ही होगा किसी भी हालत में, तो आप अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लें। जो आपका 10th है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बनवा लें प्रॉपर उसको अपना, क्योंकि ये सब ऑनलाइन बनने वाले हैं तो इस वजह से। उसके बाद 11th नंबर पे है कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। अपनी आप फ़ोटोज़ जो भी आप क्लिक कराएं वो प्लीज़ आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो ओरिजिनल या मतलब लैमिनेशन वाली होनी चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर पानी पड़े तो वो ख़राब ना हो, क्योंकि फ़ोटोज़ पर अगर पानी पड़ता है तो ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से आप लोग अपनी लैमिनेशन वाली फ़ोटोज़ हैं वो कराएं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में, मतलब एडमिशन प्रोसेस में। ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट की आपकी प्रॉपर एक फ़ाइल बनेगी, वो फाइल आपकी कॉलेज में सबमिट होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार रखिए अगर आप DLED 2021 में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप प्रॉपर अगर आपने मन बना लिया है, सोच लिया है, श्योर हैं आप कि आप एडमिशन लेना ही है आपको इस बार, तो आप लोग ये फ़ाइल अपनी कंप्लीट करके रखें। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें, जिससे कि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ DLED से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।